सत श्री अकाल एवरीवन, मैं हाँ थोड़ी आपकी हरप्रीत और स्वागत करती हाँ थोड़ा आज के वीडियो कॉन्टेंट के। गाइज, अज मैं एक टॉपिक लैके आई हाँ जो बड़ा ही स्पैशल है और खासकर बच्चों वास्ते। अजकल असी देखते हैं कि साडे बच्चों की साड़ी जो मदर टंग है यानी कि पंजाबी है वो भी अच्छी कमांड नहीं है। ये प्रॉब्लम यह भी आती कि बच्चे दो या तीन लैंग्वेजेस इकट्ठा करके बोल रहे होंगे, सम टाइम्स वो पंजाबी दे विच हिंदी मिक्स कर रहे होंगे, नाल दे नाल ही इंग्लिश के कुछ वर्ड मिक्स किए होंगे। इंग्लिश दे वर्ड मिक्स करना अच्छी गल है, जो असी मिक्स करते हैं इंग्लिश नू पंजाबी दे नाल सानू सहजी सहजी इंग्लिश आ जाती है। लेकिन प्रॉपर देखा जाए कि जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है वह उदों तक नहीं आ सकती जदों तक असी किसी भी लैंग्वेज की ग्रैमर नू नहीं समझते। गाइज, इस वीडियो नू एंटरटेनिंग बनाने वास्ते मैं इन्ना सारे ही लैंग्वेजेस दे विच थोड़े थोड़ा जा बोल के दिखाऊंगी। आई थिंक कि ना कि इस तरह लगेगा कि शायद मैं नकल उतार रही हूँ उन्होंने लोगों की, लेकिन मैं किसी नू भी इमिटेट नहीं कर रही, मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ लैंगुएजेस बोलन दी और उन्होंने लैंगुएजेस के जरिए आप कोई ना कोई एक बेनीफिशियल मैसेज अपने बच्चों तक भेजेंगे कि यस इस तरीके आप कमांड रख सकते हर एक लैंगुएज से। और बड़े ही ध्यान सानू वोकैब प्रोनंसीएशन ये चीज़ों को ठीक करने की लोड़ है, जो अज के जमाने की नीड है कि हर लैंगुएज से ताडा कमांड हैगा कि नहीं, कि तुसी सिर्फ दो या तीन लैंगुएज मिक्स ही कर रहे हो। सत श्री अकाल एवरीवन, आई एम हरप्रीत एंड टुडे आई एम हियर विद अ वेरी स्पेशल टॉपिक दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, एक्चुअली फॉर द चिल्ड्रन। इन दिस प्रेजेंट एरा वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम दैट आवर चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ गुड कमांड ओवर वन लैंग्वेज ओनली। व्हाई दे डोंट हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेजेस? बिकॉज दे डोंट नो इवन व्हाट इज द ग्रामर ऑफ देयर मदर टंग, दैट इज व्हाई दे मिक्स two or more than two languages with each other and they speak like that. So I want to discuss this topic here, why they don't have a good command over even one language. Hey Priyanka, kaisi ho tum? Maine tumhe apne husband ki birthday party par bulaya tha, tum aaye kyon nahi pehle mujhe ye batao. Hum logon ne raat ke 9 baje tak cake bhi nahi kata, hum tumhara intezar karte rahe कि जब तुम आओगी तब केक काटेंगे। पूजा ने भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया पर तुम नहीं आई। मैं बहुत नाराज हो गई थी यार, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि तुम जब तुमने मुझे अपने हस्बैंड की बर्थडे पार्टी में बुलाया था ना, मैं सबसे पहले पहुंची थी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुमने एक फ़ोन किया होता तभी पता चलता ना मुझे। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप मैं यहाँ नाराज़ बैठी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी में नहीं आई। एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हो, और तुम्हें करनी चाहिए थी उसी टाइम, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ वहाँ पर प्रेजेंट रहती। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों यार? आगे से ऐसा मत करना यार प्लीज़, जो भी बात होती है ना, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताया करो। ओके, काय कर लूँ के पापा, महंगाई इतनी काय बढ़ रही? आज हम सुन के आए, हम गए थे नेक बार, गए थे हम नॉन लैबे गए थे, मिर्ची हरी मिर्ची नहीं आती चटनी बाटवे को, तो हम नॉन और मिर्ची लैबे गए तो दोनों चीज़ें महंगी हो गई। कल हम 2 रुपया की लेके आए, आज हमें 3 रुपया की लेने पड़ी उतनी जितनी हम कल 2 रुपया की लेके आए थे। और तो और आटो महंगो कर दो, गरीब आदमी तो रोटी चटनी खात, रोटी चटनी भी अगर महंगी पड़ रही ज़्यादा इसमें रहने को, तो मोदी जी अब ये बताओ कि गरीब आदमी कहाँ जाए? और तुम्हें जानों को महंगाई करनी है तो तुम उन चीज़ों को महंगो कर दो जो बड़े आदमी खरीदत, गरीबन के खाए पे की चीज़ें काय महंगी कर रहे मोदी जी? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं तो हम चिट्ठी डालते मोदी जी तुम्हें, हम चिट्ठी में लिखते कि हम तो नॉन रोटी और मिर्ची खाते, हमें काय ये चीज़ें महंगी ना करो मोदी जी। डीजल महंगो कर दो तुमने, डीजल महंगो कर दो वो ठीक है, वो तो बड़े बड़े आदमी अपनी गाड़ियन में डरवा सो कम गाड़ी चला लेंगे, बढ़िया है सो नहीं ज़्यादा चलाएँगे थे, बट हम तो रोटी तो खाए के मोदी जी काम करें हम तो, जा अगर हम मजदूर
मजदूरी कर भी जाए तो रोटी खा के ही जाए मोदी जी। सो ता हम तो जई तुम्हें मैसेज देनो चाह रहे हैं, कल्लू के पापा तो मऊ कछ बोल लो, मोदी जी को मैसेज दे रहे हैं, मोदी जी नॉन मिर्च मैंगो ना करियो। हाय हाय भैणा, 77 दी नौ दे बारे गल सुनी जे? नहीं भैणा, जदों किसी के घर जाती है ना उच्ची नीवी गल दे, नहीं भैणा बहुते गूढ़े सूट पाउंदी, लाल भी पा के गई परसों ते उदन खट्टा पाया सी, काला पा लेंदी किसी किसी दिन, सूआ ऐ बूटियां कित उत्ते गोल्डन कढ़ाई भैणा कित हाथी होई है। 77 दी होर भी दो नौं हैगियां है ना, उन्होंने नहीं कभी ऐ पाया, वो बड़िया सियाणिया भैणा उच्चा नीवा वेख के उन्हें सूट पाने, नहीं भैणा ये तो एडे एडे गूढ़े सूट पा के चल जाती मरगा। तो हम मेरी गल सुन, पिछले साल अपने गंढे का विआह होया, तेन पता उत्ते गंढे के विआह के सूट पा के आई, विआह वर्गा काम भैणा, चिट्टा सूट पाई उत्ते कि दूर दूर लाल छिट, पता ही नहीं है कितने केड़ा सूट पाना, मासा ही नहीं पता भैणा, पता नहीं केड़े पिंडों विआह के लिया गया। भैन जी मैं तुहाडे नाल एक गल करन लगी हाँ, अज शामा नूं ना जो असी डिनर लै रहे सी, मैनू दार जी ने एक गल आखी, कहिंदे कि आपां अपने ना निशान वास्ते ना जैलदारां दी कुड़ी सिमरन है ना जिहड़ी, उहदा रिश्ता आया है। भैन जी मैं तुहानूं अपने दिल दी गल दसन लगी हाँ, मैनू तो वह कुड़ी पहलों ही बड़ी पसंद सी, तो ऐ लगता दोवां च कोई कमी नहीं गी, निशान भी रज के सोहणा ते किड्डा सियाणा साऊ मुंडा है अपना, तो सिमरन जिहड़ी आ वह वड्डी बाई नूं भी बहुत पसंद आ, दार जी नूं भी बहुत पसंद आ, तो मैं तो करके तुहाडे कोल थोड़ी जी गल लाई आ, मैं कहा कि तुहाडी सहमति होनी भी बहुत जरूरी आ, तुसी मेरे जठानी जी तो तुसी वड्डे जे साडे नालों, जे तुसी हाँ करोगे तो फिर ही असी रिश्ते भी हाँ करांगे। भैन जी दार जी कहिंदे सी कि निशान वास्ते जेकर कोई कुड़ी सब तो वधिया है ना तो वह सिमरन ही आ, तो जे सिमरन नूं वेख्या जावे तो ऐ लगता कि उहदी जिंदगी दे विच वी निशान वर्गा ही मुंडा होना चाहीदा। सो भैन जी एडियां वधिया जोड़ियां ना किते किते ही बनदियां, तो सानू इस रिश्ते वास्ते ना सहमति दे देनी चाहीदी आ, सानू अपने परिवार च सिमरन वर्गी कुड़ी चाहीदी। भैन जी पढ़ी लिखी भी आ पर संस्कारां दी भी कोई कमी नहीं भैन जी, उच्च हर एक तरीके दा उच्चा नीवा उहनूं सारा पता जे, मैं देखा उन्हों कई बार फंक्शंस ते अपने नाल ही जाती होंगी आ, दूरों ही वेखन नूं बड़ी सोहनी लगती, ऐ लगते जिदा रब ने यह जोड़ी आपे अपने हाथों ना बनाई। भैन जी माका ना गवाई आप रिश्ता बेटी की कहें जी,